अभी हम लोग वॉक करने गए थे तब तक तो लाइट नहीं आई थी बाहर की, लेकिन अभी देखें तो बाहर की लाइट आ गई है बाय लक, तो चलते हैं बाहर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आवर चैनल। लास्ट 2-3 दिन से जब से हम लोग बनारस यहाँ पे आए हैं, लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, उसके बाद से कोई नया व्लॉग हमारा नहीं बन पाया क्योंकि स्मृति की तबीयत नहीं ठीक थी, उसको दवाई ववाई दे करके ठीक करा है, अब देखिए ठीक हो चुकी है, तो अब व्लॉग पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, अब व्लॉग आएंगे आराम से। जैसा कि आप देख सकते हैं दवा का असर ठीक हुआ है, थोड़ा सा रिएक्ट शायद की है दवा इस पर, तो दवा मतलब ठीक थी, दवा से कोई दिक्कत नहीं हुई। जो हरकतें हैं इसकी, उस हरकतों से तो ये साफ पता चल ही रहा होगा आप लोग को कि दवा ठीक से असर की है, और ऐसी तबीयत खराब होने पे, वायरल फीवर होने पे कौन सी दवा लेना है कौन सा नहीं लेना है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, क्योंकि इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ही ठीक हो गई है, पहले से ज़्यादा ठीक हो गई, जितनी थी उससे ज़्यादा सही हो गई है। और 9 बजने वाला है, हम जा रहे हैं डिनर करने, डिनर करने के बाद हम जाएंगे बाहर वॉक करने के लिए, आपको दिखाएंगे बाहर का सीन। आज सुबह से काफ़ी बारिश हो रही थी तो हमारा कुछ चाइनीज़ खाने का मन था, इसलिए हमने मंगवाया चिकन रोल और चाउमिन। अभी हमें टाटा स्टील के क्वार्टर में, वेस्ट बोकारो डिवीजन, और ये है आपका झारखंड में, यहाँ पे कोल माइनिंग होती है, टाटा स्टील का ये कोल माइनिंग डिवीजन है। आज कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के वजह से यहाँ ऑफिसर्स कॉलोनी में लाइट नहीं है बाहर की तरफ, हालांकि हमारे फ्लैग पे तो लाइट है, तो बाहर का भी व्यू आपको दिखाते हैं। ये बाहर पूरा अंधेरा है, सिर्फ क्वार्टर्स में लाइट्स है, बाकी की पूरी लाइट कटी हुई है, एकदम अंधेरा है ये, नहीं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब लाइट्स लगी हुई हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी लाइट्स हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तो पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं दिखेगा आप लोग को। अब हम जा रहे हैं वॉक करने। तो अभी वॉक करके हम लोग आ गए हैं, आप देख रहे हैं ये 561 कैलोरीज, क्लोज टू 8000 स्टेप्स, 5.82 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, ये थक के बैठ गई है। हम लोग आए हैं और अभी थोड़ा सा मुँह हाथ धो के, थोड़ा रेस्ट करके, फिर ग्रीन टी पियेंगे, फिर मिलते हैं आप लोग से। ये देखिए यहाँ पे सोने से पहले की तैयारी चल रही है, ये क्या लगा रही हो? सैलिसिलिक एसिड। सिल्की सिल्की एसिड? सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, आप देखिए फेस पे भी एसिड लगाया जा रहा है। अब इसके बाद क्या है ये? नाइट क्रीम। नाइट क्रीम, ये बस रात में ही लगा सकते हैं फिलहाल तो? हाँ, आप डे में भी लगा लेना। ये तो आलू छीलने वाला चाकू है ना? स्किन पैम्परिंग कहते हैं इसे, बेइज्जती मत करिए किसी चीज की। स्किन पैम्परिंग आप भी किया करो। मेरी स्किन ऐसे ही पैम्पर्ड रहती है। अच्छा, तब सारे एम्परिंग पैम्परिंग के बाद अब आएगा नंबर हमारे ग्रीन टी का, अभी पैम्परिंग चली रही है, अभी मुल्तानी ईंटे से भी चेहरे को रगड़ा जा रहा है। क्या ये ईंटा दिखाना? अभी ये शायद लास्ट है। हाँ, अभी हम लोग वॉक करने गए थे तब तक तो लाइट नहीं आई थी बाहर की, लेकिन अभी देखें तो बाहर की लाइट आ गई है बाय लक, तो चलते हैं बाहर। तो ये है बाहर का सीन, और आज है कौओं की नाइट ड्यूटी, सारे कौए यहाँ जुट चुके हैं और आपस में मीटिंग कर रहे हैं, कुछ बातचीत हो रही है इनकी। आज वेदर बहुत अच्छा है, बाहर काफी ठंड है, चलिए बाय चांस लाइट आ गई तो आज का सीन बाहर का दिख गया, नहीं तो कल वाले ब्लॉग में डालना पड़ता।
और ये तैयार है हमारी ग्रीन टी, और हिमालय के पत्थरों को रगड़ करके तैयार है ये। तो अभी हम लोग पी रहे हैं ग्रीन टी, और अभी 11:30 बज चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद आज का ब्लॉग एडिट करेंगे। ब्लॉग एडिट करने के बाद हम लोग सोएंगे। कल सुबह उठना भी है जल्दी, कल कुछ कुछ काम है। वैसे तो ऑफिस नहीं जाना है, ऑफिस का भी कुछ काम है, और वैसे भी हमें कुछ बाहर जाना है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।